आपने एक प्रयास किया था चौटाला परिवार पे एक करने के लिए, क्या रहा और क्या है? खाप पंचायत ने हरियाणा के हित में एक अच्छा प्रयास किया था जिसमें राजनीति नहीं, हमने किसी को वोट का फैसला नहीं था, परिवार को एकजुट कर रहे थे राजनीतिक और सामाजिक रूप से। 26 तारीख से लेके और 15 तारीख तक जो घटनाक्रम चले वो हमने आपको एक दस्तावेज दे दिया है जिसमें हर बात का हमने प्रमाण दिया है कि दुष्यंत ने बार बार झूठ बोला। उसके पिताजी डॉक्टर अजय सिंह जी ने 26 तारीख को पंचायत में कसम खा करके कहा था कि मैं दुष्यंत को आदेश दे करके जाऊंगा, वो 1 तारीख की पंचायत में आएंगे और 1 तारीख की पंचायत दिल्ली मीना बाग में डॉक्टर अजय सिंह जी ने ही रखी थी। और 27 तारीख को मेरी पुनः जब वो तिहाड़ जेल में जाने लगे तो उनसे बात हुई, उन्होंने ये कहा कि मैंने दुष्यंत को आदेश दे दिया है। लेकिन जब 31 तारीख को दुष्यंत से बात की उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। एक तो यहाँ प्रश्न पैदा होता है या उसका पिताजी झूठ बोल रहा है या दुष्यंत। उसके पिताजी ने पूरी पंचायत के सामने जिम्मेवारी कसम खा करके ली मेरा बेटा आएगा। क्या उसका बेटा अपने पिता की भी नहीं मानता या उसका पिताजी झूठ बोल रहा था? इन दो बातों में से जनता तय करे या डॉक्टर अजय सिंह बताए। उसके बाद में 1 तारीख को उसने स्वीकार किया चंडीगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रमेश दलाल से मेरी बात हुई है और राजनीतिक रूप से भी गठबंधन की बात है तो मैं BSP से चर्चा करूंगा, JJP के नेताओं से चर्चा करूंगा। लेकिन उसके बाद BSP ने साफ साफ दुष्यंत चौटाला को कहा यदि आप दोनों एकजुट नहीं होंगे INLT और JJP तो हम समझौता नहीं रखेंगे। और ये हमारे संज्ञान में आ चुका था। टोटल TV के एक पत्रकार है लांबा जी ने दिल्ली में हमारी एक वीडियो 6 तारीख को बनाई है। उस 6 तारीख को उसी दिन इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने संकेत दिया है कि BSP का कभी भी गठबंधन टूट सकता है और उसी रात टूट गया। इसका मतलब हमें उसकी जानकारी थी क्योंकि मैं बसपा के संपर्क में भी था। बसपा का गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने उस गठबंधन को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। बसपा की इस बात को नजरअंदाज किया कि आप दोनों पार्टी एकजुट हो जाओ और अकेले बसपा इनके साथ रह के सरकार नहीं बना सकती थी, इसलिए बदनामी से बचने के लिए बसपा ने अपना गठबंधन तोड़ दिया। देखिए दुष्यंत चौटाला ने बार बार झूठ बोला, वो झूठ में हम आपको बताएं उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 तारीख को 1 मई वो कह रहा है एक व्यक्ति यानी रमेश दलाल मेरे पास अकेला आता है, राजनीतिक चर्चा करता है, मैं अपना विषय रखता हूँ, वो चला जाता है। उसी वीडियो के अंत में 4 मिनट की है वो कह रहा है कि राजनीतिक मेरे से कोई बात नहीं हुई, मेरे से तो पारिवारिक बात हुई थी। वो पत्रकारों के सामने एक ही PC में झूठ बोलता है। और चंडीगढ़ में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 तारीख की रखी और 9 तारीख को मेरे पत्र का जवाब दिया जबकि मैं उससे मिला हूँ 5 तारीख को एक ही दिन में 2 बार, उसके बाद और पहले कभी नहीं मिला। तो वो बार बार ये कह रहा अकेला मिलने आया और पत्र में मेरी प्रशंसा की, यदि उसको इस बात पे शिकायत थी पंचायत क्यों नहीं आ रही तो पत्र में लिखना चाहिए था कि रमेश दलाल जी आपकी मुहिम ठीक है, पंचायत मेरे से मिलने के लिए आए। बल्कि उसमें उसने ये कहा कि हम इस मुहिम की प्रशंसा करते हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिनसे आज दिग्विजय चौटाला जेल में जाके मिले उन्होंने कहा है कि वो जल्दी फरलो की मंजूरी लेकर के बाहर आ रहे और वो इस समझौते को मानेंगे और वो करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। तो वो कैसे कैसे झूठ बोल रहा है ये सारी बातें हमने तारीख वाइज और जो जो इसके बीच में प्रमाण थे उनके समेत हमने जनता के सामने रखे। अभी 3-4 दिन पहले दुष्यंत ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि समझौते का मुझे पता नहीं, मायावती से कैसे टूटा, ट्विटर पे मैंने पढ़ा। आप एक बात देखिए, टोटल TV का पत्रकार विनोद जी है, उसने खाप पंचायत पे एक वीडियो बनाई और हमारी आपस में चर्चा हुई थी। सुरेंद्र दहिया जी उसमें कहते हैं बसपा का कोई भरोसा नहीं, कभी भी टूट सकता है क्योंकि हमारे संज्ञान में था और उसी रात को बसपा का समझौता टूट गया। बसपा ने पिछले 3 दिन से बार बार दुष्यंत को स्पष्ट कर दिया था यदि INLT से आपका समझौता नहीं होगा तो हम किसी प्रकार से आपसे समझौता नहीं रखेंगे। पंचायत का अगला कदम क्या है? पंचायत के साथ उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि पंचायत झूठ बोल रही है। देखिए पंचायत किसी का और अगला कदम नहीं उठाने जा रही, उन्होंने मुझे अधिकृत कर दिया, अब तो सारी चीजें हमने जनता के सामने रखनी और जनता अपने आप फैसला करेगी। पंचायत ने 2 दिन पहले जब 2 दिन का समय दिया था जब मुझे अधिकृत करते हुए कहा था कि 2 दिन में दुष्यंत क्षमा याचना नहीं करता तो रमेश दलाल सारे तथ्य जनता के सामने रखे। अभी तो हमने एक एपिसोड रखा है
मेरी अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मैं सारे तथ्य बताऊंगा। हर चीज पे झूठ का पुलिंदा है, परिवार में झूठ, जनता में झूठ, प्रेस में झूठ, पार्टी में झूठ, सहयोगी गठबंधन बीएसपी के साथ झूठ, हर जगह झूठ। और ये हम आपको तारीख वाइज आपको प्रमाण दे रहे हैं, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो दो बार झूठ बोल रहे हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण मैं दे दूं, 9 तारीख को उसने कहा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से दिग्विजय मिला और वो आके गठबंधन के ऊपर फैसला लेंगे, हमें स्वीकार है हमारी प्रशंसा की मुहिम की। और 10 तारीख को असंद में एक पेपर में खबर निकलवाता है कि हमारा INLD से गठबंधन नहीं होगा। और 11 तारीख को उसको फेसबुक पे अपनी दुष्यंत चौटाला डाल देता है और उसके बाद हमारे पे 12 तारीख को आरोप लगाता है, जबकि 11 तारीख को जब हमने देखा कि ये झूठ बोल रहा है, ढुलमुल रवैया है, इसलिए हम चौटाला गांव में गए कि कम से कम चौटाला गांव की राय जाने। और चौटाला गांव ने भी पंचायत को रमेश दलाल को अधिकृत किया था, इसलिए 12 को ये फिर भाग गया इस मुहिम से। तो वो वैसे ही इनकार करता, हम जबरदस्ती थोड़ी कर रहे थे, हमने तो बार बार अपने पत्रों में कहा आप इच्छुक नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उस पर कोई दबाव नहीं था। वो एक भी मेरी झूठ जैसे मैंने बताई है आंकड़े देके तारीख वाइज वो बताए एक भी झूठ, और हमने उसकी बार बार झूठ बताई है। और अभी तो आपके सामने और भी झूठ उसकी मैं रखूंगा।